हेलो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारतीय नौसेना सेकेंडरी स्कूल रिक्रूट मतलब कि SSR भर्ती परीक्षा, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का पेपर है GK का। इसमें पेपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब नेवी का एग्ज़ाम मतलब कि ऑफलाइन होता था तो कैसा पेपर आता था, उसका एक सैम्पल पेपर हमने लिया है। कल भी एक वीडियो हमने अपलोड किया था और उसमें बहुत से बच्चों को अच्छा भी लगा, तो उसी के रिगार्डिंग फिर से हमने एक वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। और इसमें भी GK ही डिस्कस करेंगे, और जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का है, क्योंकि इस बार का एग्ज़ाम जो होने वाला है ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला 90% है कि एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होगा, 10% चांस ही है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन हो। तो जब भी मतलब कि अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा तो पेपर ऑनलाइन के कंपेरिजन में क्या होगा कि ईजी पेपर आएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ 10,000 बच्चे ही एग्ज़ाम देंगे, इसलिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है परमजीत क्लासेस 7563, और मेरा नाम है परमजीत और आप देख रहे हैं परमजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन को दबा लीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे और कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, और कोई भी क्वेश्चन हो एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग, तो आप क्वेश्चन आस्क करते हैं सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर व्हाट्सएप चैट ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप हमसे क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी बताया हमने, ये GK का पेपर होने वाला है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 मतलब कि आप समझिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है। और तो चलिए, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया? तो दोस्तों, किया गया था, ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है सोवियत संघ, और ऑप्शन सी है यूनाइटेड किंगडम, और ऑप्शन डी है जापान। तो दोस्तों, इसका जो निर्माण, इस भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण जो किया गया था, यह सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इसमें है 77। स्वातंत्र अवधि में आर्थिक सुधार भारत में पहली बार शुरू किए थे, ऑप्शन ए है PV नरसिंह राव सरकार 1990 के अंतर्गत, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी सरकार 1980 के अंतर्गत, ऑप्शन सी है राजीव गांधी सरकार ऑप्शन मतलब कि 1985 के अंतर्गत, और ऑप्शन डी है जनता पार्टी सरकार 1977 के अंतर्गत। तो जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, PV नरसिंह राव सरकार 1990 के अंतर्गत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि 78 का नंबर है। विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित थी, ऑप्शन ए है व्यापार सुधारों से, ऑप्शन बी है केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से, और ऑप्शन सी है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से, उद्यमों में विनिवेश से, और ऑप्शन डी है कर सुधारों से। तो दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि कर सुधारों से संबंधित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? मतलब ये कौन प्रमाणित करता है, प्रूफ करता है कि अमुक विधेयक जो होता है वो धन विधेयक होता है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है वित्तीय आयोग अध्यक्ष, और ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों, जो ये धन विधेयक मतलब अमुक विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करता है, वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये भारतीय नौसेना सेकेंडरी स्कूल रिक्रूट SSR भर्ती परीक्षा का ही है पेपर, सैंपल पेपर जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? प्रथम एशियन खेल सन 1951 में कहाँ खेला गया था? जो एशियन खेल 1951 में हुआ था, उसका मतलब कि वो कहाँ पे खेला गया था? ऑप्शन ए है बैंकॉक में, और ऑप्शन बी है जकार्ता में, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है टोक्यो में। तो दोस्तों, ये जब खेला गया था वो कहाँ पे खेला गया था? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो दो, इसका आंसर हो जाएगा बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाएगा वो बिहार में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। भारतीय संविधान ने कैसी नागरिकता का प्रावधान किया है? भारतीय संविधान ने कैसी नागरिकता का प्रावधान किया है? ऑप्शन ए है एकल, ऑप्शन बी है द्वैध, ऑप्शन सी है बहुविध, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो ये भारतीय संविधान ने नागरिकता का प्रावधान किया है, वो कैसा प्रावधान किया है? एकल प्रावधान, जो कि ऑप्शन ए में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। संविधान में
उद्घोषित मौलिक अधिकारों में किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में किसके द्वारा संशोधन किया है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है संसद और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों जो ये संशोधन किया जा सकता है वो संसद के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। राज्यसभा को भंग किया जाता है, ऑप्शन ए है हर 5 बाद, ऑप्शन बी हर 6 वर्ष बाद, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री के खिलाफ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो राज्यसभा को भंग किया जाता है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि इसका आंसर आखिर क्या होगा। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो सबसे पहले बताएगा उसको कुछ गिफ्ट किया जाएगा, तो इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। कौन सा जोरा ट्विन सिटी नहीं है, कौन सा जोरा जो है ट्विन सिटी नहीं है? ऑप्शन ए है हैदराबाद सिकंदराबाद, ऑप्शन बी है दुर्गापुर आसनसोल, ऑप्शन सी है कोलकाता हावड़ा, ऑप्शन डी है दिल्ली नई दिल्ली। तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि दुर्गापुर आसनसोल है, तो कि ट्विन सिटी नहीं है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। पथ फाइंडर किस ग्रह पर उतरा था, ऑप्शन बुध पर, ऑप्शन बी है मंगल पर, ऑप्शन सी है शनि पर, ऑप्शन डी है बृहस्पति पर। तो दोस्तों जो ये पथ फाइंडर जो उतरा था वो किस ग्रह पर उतरा था, तो मंगल ग्रह पर, जो कि ऑप्शन बी में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। आनंद मठ के लेखक कौन थे, ऑप्शन ए है ताराशंकर बंदोपाध्याय, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे ख्याल से सभी को पता होगा, 99% बच्चों को ये क्वेश्चन पता होगा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, आलमगीरा नामा के लेखक कौन थे, ऑप्शन ए है अबुल फजल, ऑप्शन बी है मोहम्मद कासिम, ऑप्शन सी है इनायत खान और ऑप्शन डी है शेख फरीद। तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा जल्दी से बताइए क्या होगा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या होगा, मोहम्मद कासिम, जो कि ऑप्शन बी में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है, ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि मुंबई में होगा, क्या होगा, मुंबई में आंसर जो हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, क्वेश्चन नंबर 90 है योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है, योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है वित्त मंत्री, ऑप्शन सी है योजना मंत्री, ऑप्शन डी है सचिव वित्त मंत्रालय। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से था, ये क्वेश्चन देख के बोलेंगे बच्चे कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी अभी भी एग्जाम में आते हैं और पहले भी एग्जाम में आते थे। तो दोस्तों इसका आंसर हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं क्योंकि सबको पता होगा, जो कि ध्यानचंद जो थे वो हॉकी से रिलेटेड थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर दोस्तों अच्छा लग रहा होगा तो शेयर कर सकते हैं, और नहीं तो आपकी मर्जी, और वीडियो पे को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है, हुमायूंनामा का लेखक कौन था, ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी है मुमताज। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा गुलबदन बेगम, जो कि ऑप्शन सी में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, बिजली के फ्यूज तार किससे बना होता है? अब बहुत से बच्चे सोचेंगे ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, लेकिन क्या करें, फिजिक्स का क्वेश्चन, लेकिन ये जीके रिलेटेड है इसलिए ये क्वेश्चन हमने नहीं पुट किया है, ये क्वेश्चन पहले से पेपर में आया हुआ है इसलिए हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 93, बिजली के फ्यूज तार किससे बना होता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन जीके में भी पूछा जाता है और फिजिक्स में भी आ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तांबे और टीन की मिश्र धातु से, जो कि ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है, डीएनए का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन ए है प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन बी है कोशिकीय श्वसन, ऑप्शन सी है कोशिकीय परिवहन, ऑप्शन डी है अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। तो दोस्तों जो इसका आंसर होने वाला है अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन, जो कि ऑप्शन डी में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। ऑप्शन ए है मूल अधिकार में, ऑप्शन बी है राज्य के नीति के निदेशक तत्व, ऑप्शन सी है मूल कर्तव्य और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन बी, जो कि राज्य के नीति के निदेशक तत्व है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। याहू, गूगल एवं MSN है, ये तो सभी बच्चे बता देंगे, क्योंकि जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब उतना लोग को पता नहीं था कि गूगल क्या है और याहू क्या है और MSN क्या है। तो अभी सभी बता देंगे, बोल देंगे कि इंटरनेट साइट है, जो कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। क्वेश्चन है एप्पल क्या है। तो ऑप्शन ए है एक फल है, ऑप्शन बी है चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर, ऑप्शन सी है कंप्यूटर नेटवर्क, ऑप्शन डी है कंप्यूटर भाषा। अभी किसी नर्सरी UKG या फिर मतलब कि 9th-10th के बच्चों से पूछ लिया जाए, या किसी मतलब कि 1 से मतलब नर्सरी से लेकर 10th तक के बच्चों को पूछ लिया जाए कि एप्पल क्या है, तो सीधा बोल देगा कि फल है और क्या है, इतना भी नहीं पता। तो दोस्तों ये फल नहीं है, ये हो जाएगा चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिखाई दे रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है। सर्वोच्च निकाय कौन सा है, तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन बी है योजना आयोग, ऑप्शन सी है वित्त आयोग, ऑप्शन डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों जो इसका आंसर होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है ये ऑप्शन क्या होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद, जो कि ऑप्शन ए में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंसाधन केंद्र का नाम है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंसाधन केंद्र का नाम है, ऑप्शन ए है दक्षिणी गंगोत्री, ऑप्शन बी है मैत्री, ऑप्शन सी है हिमाद्री, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, जो कि आंसर हो जाएगा हिमाद्री, जो कि ऑप्शन सी में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100, जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन सा था। ऑप्शन ए है आलम आरा, ऑप्शन बी है किस्तम, ऑप्शन सी है नूरजहां, ऑप्शन डी है कंगन। तो दोस्तों इसका आंसर भी सभी लोग को पता होगा, क्योंकि कई बार रिपीटेड एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन आलम आरा, जो कि आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक से जरूर करिएगा, वीडियो को पे कमेंट जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और ऐसे ही हम पेपर, जैसे कि अभी हम GK का पेपर डिस्कस कर रहे हैं 2 दिनों से, उसी तरह हम इंग्लिश का, साइंस का, जो कि अभी क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, तो ऑफलाइन में कैसा क्वेश्चन आ रहे थे कुछ, उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम ऐसा सीरीज स्टार्ट किए हैं। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।